डूबा कैसे कि जैसे कि वहाँ पे एक लड़का पहले से नहा रहा था, तो उसको देखा देखी उसको भी बोला कि भाई हम भी नहाएंगे, मेरा ही मन करना नहाने का। तो हम बोले भाई काहे नहा रहा, पानी भरा हुआ अभी बेकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। एक बार फिर से पटना सिटी में दुखद घटना होती है। मैं इस वक्त हूँ खाजीकला थाना क्षेत्र के खाजीकला घाट पे हूँ। कल जो कि 14/7/2024 को एक युवक, नौजवान युवक इसी गंगा मैया में, सबसे पहले मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ कि इस गंगा मैया की लहर बेकाबू हो गई है और धीरे धीरे जब पानी का जो स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। साहिल नाम का वो लड़का था और अपने मित्रों दोस्तों के साथ में, साहिल वैसे तो नून के चौराहे के रहने वाला है, उनके परिजन अभी भी उस आस में लगा हुआ है। साहिल तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, क्योंकि अब 24 घंटे बीतने को है और यहाँ पर जब देखिएगा तो SDRF तमाम कल से प्रयास किए हुए हैं, रात में भी प्रयास किए हैं और साथ में जब देखा जाते हैं तो यहाँ पर स्थानीय थाना है, अपने स्तर से लोग लगे हुए हैं। और यहाँ जो कुछ जो बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि कल से जो आप जो प्रशासन जो आए हुए हैं और जो जो कह रहे हैं स्टेप आए हुए हैं, ये आए हुए हैं तो ये आए हुए हैं तो ये क्या काम कर रहे हैं? वो ऊपर नौ लेके चारों पट्टी खाली घूमना कि कुछ नीचे अंदर देखेगा अंदर बाहर? वो मेरा भाई का कहना है कि SDRF वाले जो टीम आई है उनको कम से कम तह तक जाने का प्रयास, फिलहाल साहिल को खोजने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उनके जो परिजन हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है कि इस गहरी और बहती हुई लहर में कृपया आप स्नान नहीं करें, और काफ़ी दुखद घटना है, अभी तक उसका बॉडी नहीं मिल पाया है। उनके तमाम परिजन जो है वो आस लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं उनका परिजन, उनकी बात को? अरे पीछे चलने तो नहाना है, डंडा लगा हुआ देखिए वो छोटे। टेल लो छोटू, टेलो बाहर धक्का दे दो। डूबा कैसे कि जैसे कि वहाँ पे एक लड़का पहले से नहा रहा था, तो उसको देखा देखी उसको भी बोला कि भाई हम भी नहाएंगे, मेरा ही मन करना नहाने का। तो हम बोले भाई काहे नहा रहा, पानी भरा हुआ अभी बेकार में कुछ हो जाएगा, भाई फालतू में नहीं ना। वो ना बड़ी मन कर रहा चल रहे हम नहाने के लिए, तो कपड़ा हो गया उतार दिया, मोबाइल दे दिया अपना, सब चप्पल उतार दिया, चलिए नहाने के लिए। नहा रहा था फिर उसके बाद ये नहा रहा था साथ में, उसके बाद इसको बुलाया तो ये गया नहाने के लिए। नहाते नहाते फिर उसके घर से कॉल आया अम्मी का इनके, तो अम्मी से बात हुआ तो बोले ठीक है अम्मी आ रहे घर आ रहे। हम बोले चल घर चलो भाई नहा लिए, तब रुकना मैं थोड़ा सा और रुकना। तो जैसे ही रुका वैसे एक सीढ़ी नीचे उतरा, उसके बाद एक बैग नीचे चल गया, वो नीचे बैठ गया, फिर हल्का सा ऊपर उठा, बाल दिखा उसके बाद नीचे बैठ गया। उतने में सबको आवाज़ दिया तो एक दो लड़का वहाँ से उतरा, उतर के गया, फिर ये पिलर से लेकर ऊपर तक पूरा खोजा नहीं मिला। फिर ऊपर आया फिर नीचे चला गया, नहीं आया। फिर तुम लोग के सामने हुआ? सामने हुआ, मतलब सामने बैठे हुए थे राजकुमार। हाँ सर, साहिल अभी तक नहीं मिला जी। मैं साहिब वीरेंद्र कुमार, SDRF टीम गायघाट पटना। हम लोग को कल सूचना मिलते ही 4 बजे से आकर के हम लोग सर्च अभियान गोताखोरी किया गया, और गोताखोरी के दौरान डेथ बॉडी बरामद नहीं हुआ। अभी सर्च अभियान शुरू है हमारा,
और अभी हमारा प्रयास जारी है कि कहीं ना कहीं से हमें डेड बॉडी को बरामद कर लेना है। और अभी समय हो रहा है, 24 घंटा होने के बाद इसका उम्मीद होता है कि ऊपर पानी के ऊपर आ जाता है और उसको हम लोग कहीं से कहीं रिकवर कर लेते हैं। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं? जी जी हाँ, हम लोग कल से एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी जल्दी बरामद हो जाए। नून की चौराहा का मोहम्मद शाहिल नाम का युवक कल लगभग 3 बजे नहाने के क्रम में वो डूब गया है। कल से आज तक उसका डेड बॉडी अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। SDRF की टीम लगी हुई है, खाजेकला थाना प्रशासन लगा हुआ है। बहुत दुखद घटना है, बस प्रयास हम लोग का है कि कम से कम डेड बॉडी उसका उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, ताकि उसके घर वाले को सब्र हो जाए। क्या नाम है? मोहम्मद पिंकू, वार्ड अध्यक्ष शिक्षित्री पटना। नहीं चला, फिर आज सुबह में हम लोग रात भर यहाँ पे देखे, उन लोगों ने बोला था कि आप लोग कवर करिएगा, यहाँ तक कि हम लोग आगे कोई सब्बलपुर घाट है वहाँ तक भी जाके सभी लोगों को इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करने के बाद सुबह में टीम आई, टीम के साथ गश्त भी किए हम लोग, बट अभी तक कुछ ऐसा ही नहीं है। 14 साल उम्र है, हम उसके भाई हुए, बट यही काइंडली रिक्वेस्ट है कि NDRF टीम हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है। ये SDRF है, NDRF की टीम आती तो कुछ। SDRF से भी बात हुई है और इनका भी कहना है कि 24 घंटा के भीतर वो बॉडी जो होता है ऊपर चला जाता है, उनका इंतज़ार हो रहा है और लगातार ये लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और कई दूसरे घाटों पर भी जाकर तमाम तरह की छानबीन कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस तेज धार में बहता हुआ कहीं चला गया। मैं भी आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द बॉडी मिले। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।